हरे कृष्णा, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन भी और कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी। वैसे वो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, 6, 7, 8, 7 तारीख को हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया कि 24 घंटा मंदिर हमारा खुला रहेगा और रात में ठीक 12:30 बजे मिड नाइट में जब भगवान का प्रकटीकरण होगा तो हम लोग पंचरात्रि की विधि से इससे काम चांदने के कलश से और पंचगव्य से और हमने सहस्त्र नदी का जल का व्यवस्था किया है। सहस्त्र नदी मतलब 108 नदी का, तो उससे भगवान का हम लोग महाभिषेक करेंगे, फिर हम प्रसाद वितरण करेंगे। और 8 तारीख को हमारा नंदोत्सव है जिसमें कि प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के पौंडराचार्य श्रीला प्रभुपाद उनका आविर्वाह महोत्सव है। विज्ञान से जोड़ के भी हमने सेल्फी जोन भी बनाया है, लोग आएंगे दर्शन करने तो सेल्फी लें भगवान के साथ। बहुत सारी चीज़ों हमने ऐसा बनाया कि लोगों को एक अद्भुत एक सरप्राइज लगेगा कि बिल्कुल एक डिफरेंट लगेगा। अच्छा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा उस दिन होती है तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था? भीड़ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 लाख लोगों का एक्सपेक्टेशन है हमारा। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कुछ ऐसा? हाँ, ब्रज मंडल से रास मंडल आया है, ब्रज से बरसाना से आए हैं जो भगवान की ब्रज लीला की मौलिक प्रस्तुति करेंगे, तो जिससे भगवान की जितनी लीलाएं हैं उसको उन्होंने समेटा है और बिल्कुल मौलिक प्रस्तुति देंगे कि लोगों को एक वृंदावन का एहसास होगा कि आप इस्कॉन पटना बैठे बैठे वृंदावन की शायद कर रहे हैं आप। तो कृष्ण कन्हैया के आने को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है, पटना इस्कॉन में पूरी तैयारी चल रही है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ इस्कॉन पटना के मीडिया प्रभारी नंद गोपाल दास जी मौजूद है। सर, सबसे पहले दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत। हरे कृष्णा, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन भी और कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी। वैसे हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, 6, 7, 8 मुख्य कार्यक्रम हमारा 7 तारीख को है जो भगवान का अवतरण दिवस है। कहते हैं ना कि जन्म कर्म चौमेदी, भगवान का जन्म होता है, भगवान का अवतरण होता है, इनकार्नेशन होता है, तो हम लोग भगवान का अवतरण दिवस मनाते हैं जो 7 तारीख को है। और 7 तारीख को हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया कि 24 घंटा मंदिर हमारा खुला रहेगा और रात में ठीक 12:30 बजे मिड नाइट में जब भगवान का प्रकटीकरण होगा तो हम लोग पंचरात्रि की विधि से 151 कलश चांदी के कलश से 151 चांदी के कलश से और पंचगव्य से और हमने सहस्त्र नदी का जल का व्यवस्था किया है। सहस्त्र नदी मतलब 108 नदी का, तो उससे भगवान का हम लोग महाभिषेक करेंगे, फिर हम प्रसाद वितरण करेंगे। और 8 तारीख को हमारा नंदोत्सव है जिसमें कि प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के पौंडराचार्य श्रीला प्रभुपाद उनका आविर्वाह महोत्सव है, तो उस दिन 12 बजे से 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम होगा, प्रभुपाद का महाभिषेक होगा, यशोगान होगा। उसके बाद हमने 2 बजे से सबके लिए 15,000 लोगों के लिए हमने लंच का व्यवस्था, लंच महाप्रसाद का व्यवस्था किया। अच्छा, 15,000 लोग जो आएंगे। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत लोगों को कि 6 को और 7 को दोनों ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी। नहीं नहीं, ये 7 को आप गणना के ज्योतिष गणना के अनुसार, हमारे इस्कॉन के कैलेंडर गणना के अनुसार 7 को ही हो रहे, इसलिए हम 7 को ही मना रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ भव्य तैयारियां की जा रही, क्योंकि हर साल खास होता है कुछ ना कुछ इस्कॉन टेंपल। भव्य तो कृष्ण का परिभाषा ही ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक मतलब कृष्ण, तो आकर्षक तो इस्कॉन की परंपरा भी रही है और इस्कॉन पटना की भी परंपरा रही है कि हम लोग दिव्य से दिव्यतम। इस बार तो हमारा पूर्ण मंदिर बन चुका है, पहले तो हम लोग छोटी मंदिर में थे, अब तो इस बार तो हमारा पूर्ण मंदिर बन चुका है, तो हम लोग पूरी उत्साहित हैं, पूरी दिन रात हम लोग लगे हुए हैं कि कितना दिव्य से दिव्य दर्शन हो सके, लोगों को भव्य से भव्य दर्शन हो सके और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो विज्ञान से जोड़ के भी हमने सेल्फी जोन भी बनाया है, लोग आएंगे दर्शन करने तो सेल्फी लें भगवान के साथ। बहुत सारी चीज़ों हमने ऐसा बनाया कि लोगों को एक अद्भुत एक सरप्राइज लगेगा कि बिल्कुल एक डिफरेंट लगेगा। अच्छा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा उस दिन होती है तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था? भीड़ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 लाख लोगों का एक्सपेक्टेशन है हमारा, तो उसमें हमने शासन प्रशासन की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला है और हम खुद अपने स्तर से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें, किसी जो मतलब जो महिला वर्ग हैं, जो लड़कियां हैं, उनको किसी तरह का असुविधा ना हो, तो उसके लिए हमने अलग अलग लेन बनाया है, लोग किधर से एंट्री होना है, दर्शन करके स्मूथली कैसे निकलेंगे, इसके लिए हमने पूरा व्यवस्था किया है। इसके लिए हमने रिहर्सल भी आज किया है, सिक्योरिटी का क्या व्यवस्था हो, CCTV कैमरा प्रॉपर लगा कि नहीं हमारा है, और हमारा जो अनाउंसमेंट है वो प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रहा है कि नहीं हमारा, और लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं हो किसी को दर्शन करने में, तो इसके लिए हमने पूरी सब कुछ व्यवस्था किया कि किस तरह की असुविधा नहीं। अच्छा, लल्ला का साज श्रृंगार किस तरीके से किया जाए? लल्ला का श्रृंगार तो बहुत दिव्य हो रहा है और लड्डू गोपाल का भी दिव्य हो रहा है, क्योंकि हमने राधा बांके बिहारी को यहाँ रखा है, तो राधा बांके बिहारी का भी बहुत दिव्य बहुत सुंदर हो रहा है, मतलब ये मेरे कह के मैंने समेटना नहीं चाहता हूँ, ये बहुत ही अद्भुत होगा। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कुछ ऐसा? हाँ, ब्रज मंडल से रास मंडल आया है, ब्रज से बरसाना से आए हैं जो भगवान की ब्रज लीला की मौलिक प्रस्तुति करेंगे, तो जिससे भगवान की जितनी लीलाएं हैं उसको उन्होंने समेटा है और बिल्कुल मौलिक प्रस्तुति देंगे कि लोगों को एक वृंदावन का एहसास होगा कि आप
इस्कॉन पटना बैठे बैठे वृंदावन की शायद कर रहे हैं आप, तो इसका एहसास इसकी गारंटी है। आम लोग भी देख, हाँ बिल्कुल सब देख पाएंगे, सबके लिए मंदिर है। कितने बजे से ये सांस्कृतिक? ये हर एक दिन सांस्कृतिक हम रात से 8 से 11 प्रत्येक दिन, तीनों दिन 6, 7, 8 को 8 बजे शाम से लेकर 11 बजे रात तक हो। तैयारी काफी, तैयारी बहुत भगवे पुख्ता है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आप लोग सभी बिहार वासियों से मेरा है कि आप लोग आएँ और उनका दर्शन करें, प्रसाद लें और अपना जीवन धन्य करें। हरे कृष्ण। आनंद गोपाल दास, प्रवक्ता, इस्कॉन पटना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कृष्ण कन्हैया के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, भव्य तरीके से हो रही है। इस वक्त हम बात कर रहे थे जो इस्कॉन टेम्पल के मीडिया प्रभारी हैं नंद गोपाल दास, उनसे और क्या कुछ वो बता रहे थे तैयारियों को लेकर वो आपने सुना। पटना से कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, धन्यवाद।